हेलो एवरीवन दिस इज निधि राम वेलकम बैक टू माय चैनल आज इस वीडियो में मैं अपने बेबी के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही बेबी के लिए क्या के चीज़े क्या चीज़ें इसेंशियल होती हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्लोदिंग में सबसे पहले मैंने लिया है अपनी बेबी के लिए दिस ब्यूटीफुल सी फ्रॉक तो ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी ड्रेस है ब्यूटीफुल परी के जैसी तो आ, वैसे तो बेबी को बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनाना चाहिए आ, बेबी को बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल क्लॉथिंग हमें पहनाना चाहिए बट मुझे अपने बेबी के लिए ये आ, बेबी के मेरे अन्य के लिए चाहिए था इसलिए मैंने ये बेबी के लिए अपना परचेस किया है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की फ्रॉक है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें मेरी बेबी जो है एकदम परी की जैसी दिखती है और ही मैंने अपनी बेबी के लिए अनुप्रेशन वाले वीडियो में मैंने उसे पहनाया था और तो मेरी बेबी अभी सिर्फ फोर मंथ्स की है बट हमने उसका अनुप्रेशन करवा दिया है तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जैसे कि अभी अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैंने अपनी बेबी के लिए कुछ क्लोदिंग्स ली हैं जो गर्मियों में भी इसेंशियल हो और जैसे कि गर्मियों में एसी वगैरह चलता रहता है तो उसके लिए हमें बेबी के लिए थोड़ा सा थोड़े से मोटे कपड़े ही हमें प्रेफर कर मैं प्रेफर करती हूँ तो ये इसमें ये देखिए मैं बहुत ही क्यूट सा आ, ये टॉप लिया है और उसके साथ में है इसकी छोटी सी पैंट तो ये समर के हिसाब से मुझे लगता है कि समर के हिसाब से ठीक रहेंगे बिकॉज़ इसका थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा भी है और आ, एसी वग़ैरह भी चलेगा तब भी इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी तो ये इसमें मैंने दो कलर लिए हैं नेक्स्ट वन इज़ दिस येलो वन तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो ये देखिए ये, ये येलो कलर का है और वो फर्स्ट वाला जो था वो ऑरेंज कलर का था और इसके नीचे ये है इसका बॉटम तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है और इसके साथ ही मैंने लिया है ये कॉटन का ड्रेस ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें क्या है बेबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है तो ये इसका ड्रेस जो है मुझे बहुत पसंद आया है और ये प्रोडक्ट्स मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं और साथ ही मैंने लिया है ये वाला टी शर्ट और इसके नीचे भी जो है हमें इस तरह का जो है फुल बॉटम इसका मिल जाता है और नेक्स्ट मैंने अपने बेबी के लिए लिए हैं दो पजामी आ, जैसे कि अभी आजकल जैसे मेरा बेबी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो हम उसे गार्डन में लेके जाते हैं उस समय फुल लेंथ के उसको पजामे हम पहना के ले जाते हैं तो उसके लिए हमने ये दो पजामीज उसके लिए लिए हैं और आ, और लिए हैं मैंने कुछ आ, बेबी के निकर्स <laughs> जैसे कि यह है छोटा भीम और ये बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स इसमें बने हुए हैं तो इस तरह के मैंने निकर्स लिए हैं और आ, ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट और हमने लिया है आ, ये कैप ये कैप मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया था और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैप है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके साथ ही हमने लिए हैं ये दो छोटे छोटे ऐसे ये वाले कैप जो बेबी को बाहर जाने के टाइम पे पहना सकते हैं और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ब्यूटीफुल से शूज़ तो ये मैंने फ़र्स्ट प्राइस से परचेस किए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बहुत ही क्यूट लगते हैं मुझे नेक्स्ट मैंने ये प्रिंटेड टी शर्ट्स लिए हैं ये स्लीवलेस टी शर्ट्स हैं जैसे कि अभी समर स्टार्ट होने वाला है तो मैंने अपनी बेटी के लिए इस तरह के बहुत ही क्यूट प्रिंट के टी शर्ट्स लिए हैं स्लीवलेस टी शर्ट्स मैंने लिए हैं जैसे कि अभी समर स्टार्ट होने वाला है तो बच्चों को इस तरह के स्लीवलेस टी शर्ट्स हम पहना सकते हैं और ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिए हैं और मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इनके प्रिंट और बहुत ही वाइब्रेंट से इनके कलर्स हैं और सॉफ्ट बिल्कुल हुजरी का मटेरियल है बिल्कुल भी बच्चों को गर्म नहीं लगेगा और ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिए हैं इटारसी के और इफ़ यू बिलोंग्स टू इटारसी और होशंगाबाद यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट दे हैव अमेजिंग कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स पैंट्स तो मैंने अपनी बेटी के लिए इस तरह की शॉर्ट पैंट्स ली है ये मुझे ट्वेल्व का सेट मिला था और ये बहुत ही क्यूट से कलर्स में मुझे मिले uh, हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे इनकी कलर्स भी तो मैंने ये ट्वेल्व का सेट ले लिया है और ये बहुत ही मीन्स uh, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है इसमें